दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे ECS T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा टाइगर्स वर्सेस तेलुगु 11 के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन कब बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में अभी क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में महमूद का आपके पास ऑप्शन होने वाला है जो कि ओपन करते हुए नजर आएंगे। अभी तक अगर मैं बात करूं इनके 10 मैचेस के बारे में तो उसमें इन्होंने 250 से ज़्यादा रन करे हैं। दोस्तों इनके अलावा मजूमदार आपको खेलते हुए नजर आएंगे, सेम ये भी टॉप ऑर्डर में ओपन करते हुए नजर आएंगे। 9 मैचेस के बारे में बात करें तो 175 रन इन्होंने करे हैं। कई बार पार्ट टाइम बॉलिंग भी करवा लेते हैं लेकिन हर बार नहीं करवाते, बहुत रेयर चांस है। दोनों ही प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्लेयर को आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। इनके अलावा चिलकुरी के बारे में अगर हम बात करें तो बैटिंग ऑर्डर नंबर 7 पे रहेगा जो कि काफ़ी नीचे हो जाता है, इसलिए मैं इनको सजेस्ट नहीं करूंगा। 2 हमारे विकेट कीपर रहने वाले हैं। बैटिंग में एस मियाँ का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, मिडिल ऑर्डर संभालते हुए नजर आ सकते हैं। 2022 में खेले थे T10 में जिनमें 9 मैचेस में 100 रन इन्होंने करे थे, आप चाहो तो इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। आर शुक्ला के बारे में बात करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर जो रहेगा वो नंबर 8 पे रहेगा जो कि काफ़ी नीचे हो जाता है, लेकिन बॉलिंग से अगर हम बात करें, लास्ट ओवर में 0 विकेट इन्होंने निकाले थे, बॉलिंग करवाते पहले अगर इनकी टीम बॉलिंग करती है आप ट्राई कर सकते हो। वहीं इनके अलावा अगर हम किसी और के बारे में बात करें, पी मुशारफ का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। 5 मैचेस के बारे में अगर हम बात करें, इनके 19 रन इन्होंने करे और 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं। दोस्तों इनके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें वी इमानी के बारे में, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। दोस्तों बैटिंग ऑर्डर जो रहेगा इमानी का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है तकरीबन नंबर 5 पे रहता है, ऐसे विकेट कीपर आपको खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो इतना कुछ खास वैसे इनका रिकॉर्ड रहा नहीं है। इनके अलावा अगर हम किसी और के बारे में बात करें जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में लेके चल सकते हो, जो एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, तो देखो कोई खास ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ से जिनको आप लेके चल सकते हो एक अलावा का ऑप्शन होने वाला है, इनके साथ आप जा सकते हो। इनका बैटिंग ऑर्डर और हम बात करें बॉलिंग भी ये करवाएंगे, लास्ट ओवर में कोई विकेट नहीं निकाल पाए लेकिन उससे पहले विकेट निकाल रहे थे, एक अच्छे ऑप्शन है, आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ऑलराउंडर में आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, रसीदुल का आपके पास ऑप्शन होने वाले हैं। 7 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं इनके तो 142 रन इन्होंने करे और 7 विकेट इन्होंने निकाले, आप इनको अपनी टीम में आसानी से लेके चल सकते हो। खंडूरी एक और मस्त ऑप्शन है, बैटिंग बॉलिंग आपको करके देंगे, नंबर 3 पर बैटिंग करते, हालांकि लास्ट ओवर में सिर्फ 8 रन करे और 0 विकेट निकाले, लेकिन भाई उससे पहले वो T10 में रिकॉर्ड गजब कर आए, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। अमीनुल के बारे में बात करें, एक और अच्छे प्लेयर है, 8 मैचेस में बात करें तो 9 विकेट निकाले और साथ ही साथ में बैटिंग से 79 रन करे, लेकिन बॉलिंग अच्छी रहती है, आप इनको लेके चल सकते हो। आई खान के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में किस टाइप का परफॉर्मेंस है, तो इतना कुछ खास नहीं रहा, आप चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो। एस पट्टी के बारे में बात करें, ओपन करते हुए आपको नजर आने वाले, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो। लास्ट ओवर में जल्दी आउट हो गए थे 3 रन पे, लेकिन T10 वगैरह में रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है, आप ज़रूर इनको अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। बाकी तो यहाँ पे मैं किसी को ज़्यादा सजेस्ट करूँगा नहीं। इनके अलावा अगर हम बात करें किसी और के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले या जिनको आपको लेके चलना है, कोई खास नहीं है, इसलिए 4 हम ऑलराउंडर के साथ चल रहे हैं। बॉलिंग में बात करें दोस्तों, यहाँ पे टडानी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में रख सकते हो। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये प्लेयर जो है नंबर 4 पे बैटिंग करता है, प्लस 2 ओवर आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों इनके अलावा एम बिलाल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है,
परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बात करें, अच्छा रिकॉर्ड रहा है, आप इनको भी अपनी टीम में लेके चल सकते हो, दो ओवर आपको करवाते हुए नज़र आ सकते हैं दोस्तों। इनके अलावा नालूरी तो लास्ट मैच खेले नहीं थे, अगर ये मैच खेलेंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा दोस्तों कि रखना या नहीं रखना। एकाजी एक और अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं ओपन करते हुए इस मैच में आपको नज़र आने वाले हैं दोस्तों। लास्ट मैच के बारे में बात करूं, जल्दी आउट हो गए थे 4 रन पे, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, पार्ट टाइम कभी कभी बॉलिंग भी करवा के दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बाकी किसी और के बारे में बात करें यहाँ पे, तो उससे पहले एक एम बिलाल के साथ हम चल सकते हैं दोस्तों। इनके अलावा यहाँ पे काकीता का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लेकिन बॉलिंग इनकी अच्छी रहती है, दो ओवर करवाएंगे ओपन डेथ में, लास्ट मिनट में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन आप इनके साथ जा सकते हैं दोस्तों, गेम चेंज आपको करके दे सकते हैं। एम रेडी के बारे में बात करें, इनके थोड़े ओवर वगैरह कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, जिनको इस मैच में आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, जो एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए इस मैच में बन सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ से खंडूरी को अपनी टीम में लेके चलूँगा दोस्तों, एक अच्छे ऑप्शन है, बाकी रसिडुल को वाइस कैप्टन करूँगा, और भाई विकेट कीपर से महमूद एक अटैकिंग बैट्समैन है, तो इनके साथ भी चल सकते हो। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हो, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।